पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में लंबे अरसे से प्रथमा बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा अपनी पेंशन को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद के रामगंगा विहार स्थित मुख्य शाखा पर सैकड़ों की संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर सभी कर्मचारी अपने मांगे प्रथमा बैंक मैनेजर को अवगत करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई। समस्या से परेशान होकर आज प्रथमा बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरादाबाद पहुंच गए और धरना प्रदर्शन में भाग लिया। तो मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष शगुन शुक्ला ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से प्रथमा बैंक के कर्मचारी पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी पेंशन की समस्या पर अब तक गौर नहीं किया गया है। और उन्होंने कहा कि मुरादाबाद स्थित प्रथमा बैंक मुख्य शाखा के चेयरमैन ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ बदसलूकी भी की है, जिसको लेकर 19 जिले के सेवानिवृत्त कर्मचारी आज धरने पर बैठे और अपने अपमान का बदला लेने की बात कर रहे हैं। और यह जब तक नहीं हटेंगे जब तक कि चेयरमैन साहब उनसे आकर माफी ना मांगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि पेंशन तो उनका अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हमारा प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा, जिसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एक ज्ञापन चेयरमैन को सौंपा और जल्द पेंशन बहाली की मांग की। शुक्ला, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो प्रदर्शन हो रहा है, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहाँ पर कर रहे हैं आप लोग प्रदर्शन? ये प्रथमा बैंक देश भर की जो ग्रामीण बैंक है उनमें से एक ग्रामीण बैंक ये भी है, प्रथमा बैंक, जिसका ये प्रधान कार्यालय है। इस बैंक से जो रिटायरी हुए हैं, लगभग उनकी 800 की संख्या है, आज से ठीक एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर बैंकिंग पेंशन देने का आदेश किया था। वो प्रक्रिया में होते होते देश भर की जितनी RRB हैं सभी में काम चालू हो गया, पेंशन मिलनी भी शुरू हो गई। 70% लोगों को तो पेंशन नहीं मिली है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता जितना आक्रोश यहाँ पर है। यहाँ पर अभी एक भी व्यक्ति को पेंशन नहीं दी गई। जब यहाँ के ये सीनियर लोग इस बैंक से मिले, ये जो इमारत खड़ी है जिसमें इनके न्यू पूरी मेहनत लगी हुई है, तो बहुत बदतमीजी से बातचीत की गई यहाँ पर। ऐसा देश के अंदर सिर्फ यही एक बैंक है जिसने इस तरीके का व्यवहार किया। वही एक आक्रोश है, पेंशन तो मालूम है, ये किसी की भी क्षमता नहीं कि ये पेंशन देने से रोक ले। इतने स्पष्ट आदेश हो चुके हैं, लगभग इस समय ग्रामीण बैंक में 35,000 लोग रिटायर हैं पूरे देश भर में। लगभग प्रक्रिया होते होते 15,000 लोगों को मिल चुकी है, शेष की भी चल रही है। लेकिन जो जिस तरीके का व्यवहार इस बैंक के द्वारा किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बैंक को अभी पंजाब नेशनल बैंक ने अपने मतलब खुद ले लिया है, टेक ओवर किया है, और सिंडिकेट बैंक चूंकि इसका मैनेजमेंट पहले था 31 मार्च को चला गया, तो ये जो नया प्रबंधन आया है पंजाब नेशनल बैंक का, इसके द्वारा जो ये व्यवहार किया गया है उसका ये आक्रोश है। क्या नाम है? जो महाप्रबंधक है शैलेश रंजन, भारत सरकार के जितने भी उच्चाधिकारी जो इस पेंशन के मामले को देख रहे हैं, 3-3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक एक चेयरमैन को ये निर्देश दे चुके हैं कि तुम्हें सिर्फ इमीडिएट पेंशन भुगतान कर देना है सभी को, लेकिन इस बैंक के अधिकारियों को कोई भी जू नहीं रेंग रही है। और ये एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर आंदोलन खड़ा होने वाला है। उत्तर प्रदेश में इसके साथ ही 5 और भी बैंकें हैं, सभी जगह प्राप्त होनी शुरू हो चुकी है। कुछ बैंक तो ऐसे हैं कि 100% लोगों को उन्होंने पेंशन दे दी, फैमिली पेंशन दे दिया, लेकिन इस बैंक के अंदर जू नहीं रेंग रही, जबकि 180 लोग किसी तरीके से कर्जा लेके उसकी शर्तों के आधार पर जो उनको पैसा देना था। ये सिर्फ नया चूंकि एक मैनेजमेंट आ गया पंजाब नेशनल बैंक का, तो वो ये प्रथमा बैंक के जो सिंडिकेट बैंक के लोग थे, जो सिंडिकेट बैंक देख रहा था, तो वो मान के चलते हैं कि ये सब ऐसे ही है, इनको कोई जानते पहचानते नहीं है, आदमी नहीं है। और जो चेयरमैन है वो भी चूंकि उनके बेटे IAS हैं, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा प्रशासनिक लाइजनिंग आदमी समझते हैं कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ये उनके नेचर में चल रहा है पिछले एक साल से, क्योंकि इसके पहले ये सर्व यूपी के चेयरमैन के रूप में देखते थे। आज जो ज्ञापन दिया जाएगा किसको दिया जाएगा? चेयरमैन को दिया जाएगा, भाई अपनी बात हम चेयरमैन से ही कहेंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है फिर आगे क्या? बस यही धूप में तपस्या करेंगे और क्या कर सकते हैं। रिटायर्ड लोग बैंक तो बंद नहीं कर देंगे, हम कोई भी चूंकि वरिष्ठ नागरिक हैं, इस बैंक के से एक चाहत है सभी की, तो हम कोई इस तरीके का काम तो नहीं कर देंगे कि जिससे कोई कानून टूट जाए।
लेकिन ये है कि हम लोग अपना जैसे पिछले 8-8, 10-10 साल से हम लोग इसके लिए, ये कोई आज का मामला नहीं है, 10-10 साल से लोग रिटायर हैं, 500-500 1000-1000 रुपए सिर्फ पेंशन मिल रही है उनको, जो कि 25,000 से लेकर 50,000 तक मिलनी चाहिए, जिसका बैंकिंग इंडस्ट्री इंजॉय कर। पंजाब नेशनल बैंक का एक भी व्यक्ति उसकी पेंशन रुकी हो तो बता दें कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा जो है घटना, कितना बड़ा लॉस में चला गया। आज देश का जो सबसे बड़ा बैंक हुआ करता था वो नीचे की स्थिति में आ गया और उसी के ये सब अधिकारी है। अच्छा, आगे भी मतलब धरना जारी रहेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल धरना रहेगा, पूरे उत्तर प्रदेश से अभी सारे लोग यहाँ आएंगे और कार्यक्रम भी 27 को भी हमारे सब टॉप लीडर्स यहाँ आ रहे हैं और ऐसा नहीं है इनको छोड़ा नहीं जाएगा। शैलेश रंजन को जब तक यहाँ से हटाते नहीं है या सभी वरिष्ठ नागरिकों से क्षमा मांगे वो, तब तक हम इसको अब पेंशन तो उनको देनी पड़ेगी। तानाशाही है ये हर जगह, इसके पहले ये हरियाणा में थे, वहाँ भी इन्होंने इसी तरीके से कर्मचारियों से बदतमीजी की थी, ये इसी तरीके से हर जगह जहाँ जाता है बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करता है, तो इसका विरोध है और ये आक्रोश उसी का है। ये पेंशन इंसन का विरोध नहीं है, पेंशन तो ये क्या इनके फरिश्ते देंगे 2-4-6 दिन के अंदर, इनकी क्षमता